मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैंने वादा किया था कि हर फ्राइडे को मैं आपको एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल दूंगा। तो आज का जो कैप्सूल है उसका नाम है हाउ टू पे सैलरीज इन डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत दुविधा की वक्त चल रहा है, कोविड का पीरियड चल रहा है, अनसर्टनिटी का पीरियड चल रहा है। यू नो, एक हमेशा मैं डायलॉग मारता हूँ, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, फोकस ऑन अदर्स। अपने बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जब अनसर्टन टाइम्स और डिफिकल्ट टाइम आता है तो आदमी ये सोचता है मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर। लेकिन एक बात समझ के चलिए, जो हमारे साथ काम कर रहे साथीदार लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको चार चीजें चाहिए। उनको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। इसी चार रीजन के लिए उन्होंने अपना धंधा नहीं चालू किया, इसी चार रीजन के लिए वो आपके साथ काम करते हैं। उनको गारंटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। उनको गारंटी दीजिए, उनको प्रेडिक्टेबिलिटी दीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनको सेफ्टी दीजिए। तो मेरे ख्याल से कपल ऑफ थिंग्स आर देयर, जिस तरह से आप सैलरीज को आगे से टाइम पे दे सकेंगे या अभी टाइम पे दे सकेंगे। तो सबसे पहला बात, एक बात याद रखिए कि कमांड फंड क्रिएट करना। कमांड फंड का मतलब है अलग अलग फंड्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्राइसिस फंड, फॉर एग्जांपल एजुकेशन फंड, टेक्नोलॉजी फंड, सडन अपॉर्चुनिटी फंड, वॉक अवे फंड। यू नो, ये जो क्राइसिस फंड होता है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो हर महीने में आप डालते हैं। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते करते आप उसको एक बड़ा अमाउंट बनाइए। स्टार्टिंग का एक अमाउंट, बड़ा होने के बाद ये अमाउंट पे आप लाके उसको रखिए। इसको बोलते हैं दी क्राइसिस फंड। क्राइसिस कैन बी एनीथिंग। बिजनेस में क्राइसिस आता है, हमारे बहुत बड़े कस्टमर टूट सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आ सकता है जिसमें हमारे को क्राइसिस फेस करने को मिलता है। तो इसीलिए क्राइसिस फंड बनाना जरूरी है और क्राइसिस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और ऐसे टाइम पे बड़े जो कंपनियां होते हैं उनके पास क्राइसिस फंड्स बहुत होते हैं, वो पांच पांच चार चार साल के लिए क्राइसिस फंड बना के रखते हैं। छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेनर्स हैं उनके पास नहीं होता, लेकिन आपको ये आदत डालनी चाहिए कि पांच छह महीने का कम से कम सैलरी आपके पास एज ए डिपॉजिट होना चाहिए, तो आपको क्राइसिस आने पर आपको यूज करना है। अब बहरहाल अगर आपके पास ये नहीं है, जो कईयों ने बनाया है, हमारे गुरुकुल प्रोग्राम में हम लोग ये कमांड फंड्स के बारे में सिखाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी फंड, नया टेक्नोलॉजी आगे तो फंड निकाल के उसमें से ले लो। एजुकेशन फंड, नया एजुकेशन, कोई प्रोजेक्ट नया एजुकेशन के लिए कुछ मिल गया तो आपने उस फंड में से निकाल दिया। जैसे सडन अपॉर्चुनिटी फंड, एक फैक्ट्री आ गया खरीदने के लिए तो आपने वो फंड यूज कर लिया। इस तरह से सबसे पहला आपको अलग अलग कमांड फंड करना है, या इसको ऑटोनॉमस फंड बोलते हैं, ऑटोनॉमी फंड्स बोलते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, नॉमी यानी लॉस, ऑटोनॉमी यानी सेल्फ लॉस। अपने उसूलों पे चलने के लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, आप एक काम कर सकते हैं, सभी का मीटिंग लीजिए और उनको बोलिए कि हम लोग आपको पार्ट पेमेंट ही दे सकते हैं। तो 30%, 40-50% और बाकी कब देंगे ये आप उनको वादा कर सकते हैं। और वादा किया हुआ टाइम के अंदर आप मेहनत करके, जद्दोजहद करके उस अमाउंट को लाके उनको दे दीजिए और वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन करना जरूरी है, मीटिंग बुलाना जरूरी, बोलना जरूरी है। कई एंटरप्रेन्योर मेरे को बोलते हैं नायर से पैसे ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उनको। अरे बोलिए, बात कीजिए, वो आपके बात को समझेंगे, वो आपके हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से 10 साल से, तो वो आपके हुए, आपके बच्चे हुए, आपके आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके फाइट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपका विजन को लेके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके साथ बात कीजिए। और ये दूसरा है, पार्ट पेमेंट की बात हो सकती है। दूसरा, आप उनको बोलिए कि ये सिचुएशन बहुत खराब है, हमारे पास आज की तारीख में नहीं है, हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं ये आप बताइए। आप एक पैशनेट अपील कीजिए और उनको बोलिए कि आप सजेशन दीजिए, गिव मी सजेशंस कि कैसे करना चाहिए। फिर उनका सेशन 1, 2, 3 लेके उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप काम करिए। दूसरा एक हो सकता है जो मैंने किया, जो हमने कहा कि हम लोग आपको 50% सैलरी कर देंगे, 50% वेरिएबल कर देंगे, और वेरिएबल में यू नो आप इतना इतना काम कीजिए तो वेरिएबल इनकम इस तरह से आपको मिलेगा। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, हैवी इंसेंटिव डिक्लेरेशन हो सकता है। जैसे मैंने अपने कंपनी संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स और स्मार्ट में भी हमने कहा कि आप लोग
आप एक काम कीजिए, आप लोग प्रोजेक्ट्स लीजिए। अकाउंट्स वाले को बोला तू कोई कंपनी का अकाउंट्स प्रोजेक्ट ले ले, हमारे एचआर वाली है उसको बोल दिया आप कोई कंपनी का एचआर का प्रोजेक्ट ले लीजिए, हमारे रिव्यूअर है उनको बोला आप कोई जाके प्रोजेक्ट ले लीजिए। तो बोलो ने प्रोजेक्ट लिया तो हमने कहा 25% 30%, 40%, 50% जो भी हम लोगों ने वो टाइम पे तय किया उसके हिसाब से हम लोगों ने हैवी इंसेंटिव्स की बातें की ताकि वो लोग, और हमने सबको काम पे लगा दिया सेल करने के लिए, मतलब रिसेप्शन से लेके हमारा ऑफिस बॉय से लेके हमारा पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ट्रेनर, रिव्यूअर, हर आदमी, एचआर पर्सन, सभी को बोल दिया आपको बेचना है, और सब लोगों ने बेचने चालू कर दिया और उनको हैवी इंसेंटिव मिला जिससे कि टाइम पे सैलरी नहीं दे सके तो भी वो लोग अपना काम को चला सके, निभा सके। और दूसरी बात, अगर बहुत ही बहुत कमिटमेंट वाले भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और मैं अपने आप को इसमें गिनता हूँ, हमने हमारे अंधेरी इसमें मेरा घर था वो हमने बेच दिया, उससे हमने पगार निकाला, मेरी वाइफ का ज्वेलरी है वो हमने बेच दिया, मेरा पूरा जो सेविंग था और इन्वेस्टमेंट था सब तोड़ दिया, ये भी आप कर सकते हैं, आपका फिक्स डिपॉजिट आप बोरो कर सकते हैं। एक बात पक्का है माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो ये धंधा चलाने वाला हूँ आने वाला 100 साल, जब तक मैं जीवित रहूंगा, और इसके बाद हमारा कंपनी का विजन है बाय 2035 वी वांट टू बिकम अ बिलियन डॉलर कंपनी, हम तो ट्रेनिंग में रहने वाले। हाँ, हो सकता है कि जरिया बदल गया, ट्रेनिंग करने का तरीका ऑफलाइन से ऑनलाइन, वर्चुअल, ई लर्निंग, ये सब हो गया, वो तो हमारे को ट्रांसफॉर्म करना हम कर भी रहे हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये पीरियड में बहुत इनकम डाउन हुआ, किसी का 1/10 हुआ, किसी का 1/4 हुआ, किसी का हाफ हुआ, हमारा भी यही हाल रहा, तो हमने इसको इस तरह से भी काम किया है। एक बात पक्का है माय डियर फ्रेंड्स, पगार तो आपको देना है, ये आपका एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉय है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के आते हैं, वो अगर ये सब चारों चीज उनको नहीं मिले तो वो और किधर चले जाएंगे, और बाद में उस टीम को बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी करके, क्या भी करके, ये सभी चीजें और नई आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना सैलरीज टाइम पे दीजिए और उनका जो सेफ्टी की भावना है उसको बरकरार रखिए, उनकी इनसिक्योरिटी को सपोर्ट कीजिए उनके, और इसके बीच में कोई भी एक स्पेशल 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में सडनली बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, किसी आपका एम्प्लॉय का बहन का ऑपरेशन कराना है, मदर का ऑपरेशन कराना है, फादर का ऑपरेशन कराना है कोविड में, तो आउट ऑफ द वे जाके भी आप अपने एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकते, करना चाहिए, बिकॉज वो लोग चाहते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एज लॉन्ग एज आप एक विजनरी कंपनी चला रहे हैं। आप यहाँ पर दूसरों का पैसा लेके, उनका 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 पैसा लेके अपना घर चलाने के लिए नहीं बैठे हैं, आपने इसी धंधे से पैसा कमाया, मैंने इसी धंधे से पैसा कमाया, इसी धंधे में वापस लगाने के लिए मैंने इसी धंधे से घर खरीदा, ज्वेलरी खरीदा, इसी धंधे से ही मैंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया, 3 करोड़ का मर्सिडीज लिया, आज अगर वो मर्सिडीज बेचना पड़े 1 करोड़ में तो बेचेंगे यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वापस खरीद लेंगे, अगला गाड़ी तो रोल्स रॉयस है, उसके बाद तो प्लेन भी लेना है, हम भी जीवित है, हमारे बॉडी भी एकदम तंदुरुस्त है, लाइफ भी एकदम बढ़िया है, धंधा आगे चल के होने वाला है। विश्वास कीजिए कि ये जो अनसर्टन पीरियड है, ये पीरियड में आप कितना ग्रेस दिखाते हैं, आप कितना संतुलन दिखाते हैं, ये आपकी एक स्पेशल एबिलिटी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही काफी, अगले फ्राइडे को फिर एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, मैं चेयरमैन हूं स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी टफ, बी सेफ, बी हेल्दी एंड हैव अ लाइफ व्हिच इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच।